पीर जमात अली शाह दा दामन फड़ के नबी करीम दे रोदे ते ले आया। कहन लगा बाबा तेरे पाकिस्तान च मां दा प्यार भी लभेगा। फरमाया मैं तेनू मां दा प्यार भी देवांगा। कहन लगा उथे बाप दा प्यार भी लभेगा। फरमाया मैं तेनू बाप दा प्यार भी देवांगा। कहन लगा खाना भी लभेगा। फरमाया पुत्रा मैं तेनू सोना खाना भी देवांगा। कहन लगा बाबा उथे मुहम्मद दा रोजा भी लभेगा। आदि चीख निकल गई। फरमाया पुत्रा ये उथे लभदा मैं मदीने की लैने आउणा। बच्चा दामन छुड़ा के दौड़ गया ते मुड़ के कहन लगा बाबा रख अपना पाकिस्तान खोल। मैं अम्मा बगैर रह सकना, अबे बगैर रह सकना, खाने बगैर रह सकना, कमली वाले बगैर नहीं रह सकता। तुहाडे इलाके दी जीनत हजरत ताजदारे अलीपुर सैयदा शरीफ हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। यो बाबा जड़ा है ते अलीपुर दा, पर जिंदगी बहुत ही मदीने गुजरी है। अक्सर जिंदगी दा हिस्सा मदीना तैयबा गुजारे। आपने मदीने लंगर खाने बनवाए सन, उन्हां ते नाम लिखिया सी जमात मंजिल। की नाम? मैं ते वेख के आया, तुसीं भी जाके वेखो। मदीना शरीफ अज भी जमात मंजिल दे नाम ते ओ होटल मौजूद ने। आपने उदों बनवाए सन जदों अरबी बड़े गरीब होंदे सन। जो अरब अज तेल के कुएं नहीं सन ना निकले तो अरबी बड़े गरीब होंगे सन। बाबा जी की करते सन, इतों दौलत लैके उत्थे जाते हैं, उत्थे जाके गरीबों पैसे वंड दें। तो अरबिया ने आपनों लकब दिता अबू अल अरब, अरबिया का बाप है। अजमी तो उंज अरबिया इंज पाल दे जिमें बाप अपनी औलाद न पाल दे। एक दिन हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते ने, मैं हजूर दे रोजा अनवर के करीब तो गुजरिया, अरबी लिबास पहनया 10 साल का बच्चा, तो हजूर दे रोजा अनवर वल वेखी जाए तो रोई जाए तो रोई जाए तो रोई जाए। ये वो पीर जमात अली शाह जिदे मुरीद के पैरों थले मदीने के कुत्ते का पैर आया। आपको खबर मिली तो मुरीद को डांट के फरमाया, जाओ कुत्ता ढूंढ के लियाओ। कुत्ता आया ना, तो हजरत पीर जमात अली शाह सैयद ज्यादा होकर मदीने के कुत्ते के सामने हाथ जोड़ के खड़े, तो रो के फरमाते ने इत ही माफी दे दे यार, शिकायत ना लावे। पीर जमात अली शाह जिहड़ा मदीने दे कुत्ते दा दुख बर्दाश्त ना करे, मदीने दे बच्चे नूं रोंदा कदों वेख सकदा सी। मैं केड़ा रंग देवां इजड़ चार दी फिरां मैं उन्हां बदुआं दे, इजड़ चार दी फिराम बदुआं दे, मेरा गोलियां विच शुमार आ जाए, इस वास्ते कराऊं मैं नित तरले, कमली वाले किधरे प्यार आ। तरले ही ने ना भाई, तरले ही ने ना, इस वास्ते करा मैं नित तरले, कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए। वो मदीने दे कुत्ते नाल भी प्यार कर दे सोने, तेनु किधरे प्यार आ जाए। बच्चे नु फरमाते ने रोना क्यों? बच्चा कहंदा बाबा जी अज 3 दिन गुजरे मैं खादा कुछ नहीं ना, मैंने भुख लगी, मैं भुख नाल प्यार होना, तो मैं कमली वाले नु पे कहना आना दई फुका या रसूल अल्लाह, कमली वाले अज मैं तेरा परौना बन के आया। जिन्हें मदीना तैयबा हाजरियां दीतियां ना पूछ लो, उन्हां कोल हर बंदे कोल एक वक्री कहानी होगी। वह कहेगा कि आसी साहब फलाने साहब मैं मदीना तैयबा सोचा ना अज या रसूल अल्लाह मैं फलानी चीज खानी है। अजे सोचन की देर होंगी है तो किधरों ना किधरों चीज पहुंच जाती है। भाई परौना होवे नबी पाक दा ते रवे मदीने भुखा, ए किवें हो सकदा है? हजरत पीर जमात अली शाह साहब उस बच्चे नूं पकड़िया ते आप उन्हें जमात मंजिल लै आए। जिहड़ा लंगर पक्का सी ना बच्चे दे सामने रखिया, बच्चा खाना खावन लग पिया। हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते ने तैनूं पता है मैं कौन हाँ? कहिंदा मैनूं नहीं पता कौन हूं। फरमाया बेटा मैं पाकिस्तान तो आया, मैं वड्डा वड्डा पीर हाँ, मेरे लखां मुरीद ने, मैं सैयदज़ादा, तो तू जो इत्थे भुखा रहना है तो तैनूं मैं मदीने ना लै चलां। उन्हें आख्या जी केड़ा मदीना? आपने फरमाया कि पाकिस्तान भी मदीना ना। भाई मदीना शहर नूं कहंदे ना,
फरमाया इत्थे ते कमली वाला वसदा उत्थे मुस्तफा दी यादां वसदियां ने। अलीपुर ना लै चलना, बच्चे ने ना लुकमा लब्बा दे करीब लियांदा, भुखा ते बड़ा सी पर उन्हें लुकमा रख दिता। पीर जमात अली शाह दा दामन फड़ के नबी करीम दे रोदे ते लै आया, कहन लगा बाबा तेरे पाकिस्तान च मां दा प्यार भी लभेगा। फरमाया मैं तेनू मां दा प्यार भी देवांगा। कहन लगा उत्थे बाप दा प्यार भी लभेगा। फरमाया मैं तेनू बाप दा प्यार भी देवांगा। कहन लगा खाना भी लभेगा। फरमाया पुत्रा मैं तेनू सोना खाना भी देवांगा। कहन लगा बाबा उत्थे मुहम्मद दा रोजा भी लभेगा। आपकी चीख निकल गई, फरमाया पुत्रा ये उत्थे लभदा, मैं मदीने की लैने आना सी। बच्चा दमन छुड़ा के दौड़ गया ते मुड़ के कहन लगा बाबा रख अपना पाकिस्तान कोल, मैं अम्मा बगैर रह सकना, अबे बगैर रह सकना, खाने बगैर रह सकना, कमली वाले बगैर नहीं रह सकता। यो सब नु सीने लाउन वाला आ गया, ओ यतीमां दा सहारा, ओ बेवा औरतां दा आसरा, ओ दुखियां दे दुख वडावण वाला मेरा माही। गिरामी कदर हजरात, असी क्यों ना उस नबी दा मिलाद मनाइए। असी ते गली गली ए कहंदे फिरने रहमतां बरतान वाला आ गया, ए रहमतां बरतान वाला जो के ओपड़े जिदे कोल आया, ए रहमत परतान वाला आ गया, भाई रहमत परतान वाला आ गया, ए रहमत परतान वाला आ गया। सब सीने लाने वाला आ गया, ये सब सीने लाने वाला आ गया, ये लाने वाला आ गया, रहमत बरतान वाला आ गया। सलना का इल्ला रहमत लिल्लालमीन, रहमत बरतान वाला। पद गुरु ने मत अल्लाह अलैकुम इन कुनतुम आदान अल्लाह फबीन कुलों बिकम फासबख तुम भी ने मति ही इखवाना। फिर इंज पड़ा ने मता परतान वाला, भाई जिदे जिदे बुलाया वो बोले रहमत परतान वाला आ गया। या अल्लाह जड़ा उच्चा बोलिया जरा दी कमली वाले खाबे ते आण, सवेरे दूध चक दी गलियां वेच एही कहंदा फिरे राती रहमत परतान वाला ए आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, भाई रहमत परतान वाला आ गया। ते सब सीने लान वाला, केड़ा रंग देवा सब सीने मदीने दी गली है ईद का दिहाड़ा, लोग ईद की नमाज पढ़ने जा रहे, एक निका जा यतीम बच्चा मदीने दी गली च पिया रोंदा,
हजूर अले सलातो सलाम जड़ मेरे जुब्बा मुबारक पहन के यमनी जुब्बा पहन के मेरे आका जदों ईद की नमाज पढ़न जा रहे राह विच यतीम देखिया नबी करीम बच्चे दे करीब रो के फरमांदे ने बच्चिया रोना क्यों है नौजवान जुमला सुन के तड़प जाओगे हजूर ने फरमाया रोना क्यों है वो बच्चे ने नबी पाक दे चेहरे वाल वेखिया रो के कहन लगे सुने रोवा ते की करा मेरा होया जो कोई कोई चाचे दे मोड़े ते बैठ के ईद पढ़ने जा रहा कोई अबू दे मोड़े ते बैठ के जा रहा कोई ऊंट ते कोई सोनिया घोड़े ते बैठ के जा रहा कदे मेरा भी अबू हुंदा ते मैं भी जांदा ना सब नु सीने लाउण वाला एक दिन नबी पाक नमाज पढ़ के निकले मस्जिद नबी चो मस्जिद नबी की दीवार ना टेक लगा कर ते गली च बह गए सामने बच्चे पे खेल दे एक सहाबी आए थे अपने बच्चे नु कहंदे ने चल सुबह दा खेल ले चल घर चप्पत लगाई मेरे नबी वेख के ना ते फरमांदे ने खेलन दे साहबी चले गए दोपहर वेले गुजरे थे वेख्या हजूर भी गली च बैठे थे बच्चा भी पे खेले बच्चे कह लगे चल चल सुबह दखे रहे दोपहर हो गई चल घर सरकार उठे बैठे थे हजूर वेख के फरमाते ने खेलन दे साहबी सन चले गए शाम वेले आए थे वेख्या हजूर भी बैठे थे बच्चे भी पे खेलते अपने पुत्र वाल जावन तो पहले ख्याल आया वेखा मदनी दी कई इरादा ते मर्जी है सरकार वाल वेख्या ते नबी पाक फरमांदे ने चलो लै जाओ बच्चे नूं उंगली न लगा के हजूर दी बारगाह च लिया के की कमली वालिया ऐ दो वारी क्यों नहीं लैके जान दिता नबी पाक दी अखा च छम छम अथरू ते हजूर ने रो के फरमाया तेनू की लगता मैं सवेर दा गली च एवें बैठा अर्ज की हजूर वजह की मेरे नबी फरमा आओ वेख इना बच्चा च कि यतीम पिया खेडदा है फरमा जे तू अपने पुत्र नूं लै जांदो ना उस यतीम नूं ख्याल आउंदा सी कदे मेरा भी अबू हुंदा ते मैनूं भी लैण आउंदा मैनूं भी लैण आउंदा फरमाया मैं ते सवेर दा उस यतीम वास्ते गली च बैठा कि उहनूं इह ख्याल आवे कि जिहदा कोई ना होवे उहदे कमली वाला ते बैठा ही है ना मैं इस आवाज़ ते पढ़ रहा सब नूं सीने लाउण वाला भाई जी दे कोल आया पड़े सब नु सीने लौन वाला आ गया कोलांदे वाली उस यतीम नु सीने दे नाल लाया फरमाया इंज ना कैज मेरा कोई नहीं फरमाया मैं जो सारिया दा बन के आ गया नबी करीम बच्चे ने अपने घर वापस ले आए सरकार ने फरमाया आशा ए बच्चे नु तैयार करो नौजवान बच्चे नु नवा सूट पहनाया गया तेरे अकल सलाम ने बच्चे नु अपने मोड़ियां ते चुक लिया फरमाया बच्चिया अज तू बाद इंज ना आखी मेरा कोई नहीं फरमाया अज तो मुहम्मद तेरा बाप है आशा तेरी माँ है फातिमा तेरी बहन है हसन हुसैन तेरे भाई ने मेरे नबी उन्होंने कदिया तो उठाओ के मदीने दी गली च जा रहे लोगों से बच्चे वाल वेखते ने कि बच्चा है ते बच्चा कहंदा लोगों अज तक ते मैं यतीम सां पर हुण मैं यतीम नहीं जे रहा मुहम्मद मेरा अबू लगदा जे आशा मेरी अम्मी लगदी है